हफीज और मोहम्मद आमिर मैदान पर अंपायरिंग का काम अंजाम देने के लिए पहुंचते हुए बहुत देर से ढूंढ रहे थे, उसके बाद बोल रहे थे कि काला नहीं आया क्या? किसी काले आदमी को ढूंढ रहे थे, किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, उसे वो लाल ही होगा भले ही सांवला होगा। सांवले को ही ढूंढ रहे थे ना, बेटा ब्लू हो काला हो या हो पीला, माँ की नजरों में लाल होता है, माँ की नजरों में लाल होता है। शहनवाज और अभय काले गुलाब की खुशबू शायद नहीं सुने होंगे राशि शेरवानी, ब्लैक डायमंड का सामना आपका नहीं हुआ होगा, ब्लैक कमांडो की अहमियत आपको नहीं पता होगी राशि शेरवानी साहब। यहूदी की असल नहीं है कमांडो में, जो गोरे होते हैं ब्लैक कमांडो होते हैं, ब्लैक हुआ करते हैं राशि शेरवानी साहब। शहनवाज और अभय की जोड़ी सोग्रा होमियो क्लिनिक सरामी खुरासन की तरफ से पाली की शुरुआत देने के लिए गाजीपुर के खिलाफ, जबकि बोलिंग एंड पर कैप्टन गाजीपुर ने पठान को लगाया है। पठान ने ऑल आउट परफॉर्मेंस की है, ओपन भी करते हैं और गेंदबाजी की भी ओपन करते हैं। कल अच्छा परफॉर्मेंस किया था लेकिन आज फाइनल डे है, कल की उम्मीदों पर आज भी कैप्टन की पठान को खड़ा उतरना होगा। बाएं हाथ से बल्लेबाजी शहनवाज करते हैं तैयार होते हुए, पठान चले अंपायर का इशारा हुआ, बाएं हाथ से ओवर द विकेट ऑन द राइज ड्राइव ऑन साइड में और कैच ड्रॉप हुआ। शहनवाज को पहली ही गेंद पर जीवन दान मिला, अंपायर के इशारे के इंतजार। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल कर लिया है, शायद पट्टी तक हुई है। अभी साहब अंपायर पास से बाहर से न देखें, आ जाए भाई सुजीत शाह नसीरपुर नहीं है भाई, शहनवाज के बल्ले से हमारे साथी कमेंटेटर आज फाइनल डे है, आज जुड़े रहेंगे सुजीत शाह साहब, आपका वेलकम है, खैरमकदम है, अभिनंदन है सुजीत शाह साहब। और फाइनल डे में आसिफ कुमार साहब भी मौजूद है, आज दो दिन मंदिर में थे, तीन नमाज घर आ गए, वसामा भाई नहीं मालूम भाई, पांच प्लस पांच और हो जाएगा भाई, पांच प्लस भाई इस वक्त अल्पलाक छाव से जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। तो पठान की गेंद पर शहनवाज को एक जीवन दान मिला, बॉल कैच विन मैच क्रिकेट की कहावत है, क्वार्टर फाइनल मैच, क्या ये घातक सिद्ध हो सकता है गाजीपुर की टीम के लिए? शहनवाज जैसे अच्छे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप हुआ और अब है अभी स्ट्राइक लेने की तैयारी में, नजदीकी खिलाड़ी एक स्लिप पॉइंट पर है। इसी बीच पठान की गेंद ड्राइव करना चाहते थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई, ड्राइव अभय के बल्ले से मैदान पर जब तक गेंद उठाया जाता दोनों बल्लेबाजों ने चोट बदले। इन एक रन के साथ अभय की स्कोरिंग शुरू हुई, अभय पहुंचे एक पर, टीम का स्कोर जा पहुंचा है खुरासन तो बिना किसी नुकसान के पठान वापस अपने बॉलिंग के निशान पर। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन बनाए, अब दूसरी और इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे शहनवाज। पठान चले अंपायर को मार के स्टंप के पास, इस बार पट्टी गेंद थी, लाहौर में इस बार गेंद ऑन साइड में ड्राइव किया है, बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी, चार रन के लिए डीप स्क्वायर लग गए बाहर, चार रन तो चार के साथ शहनवाज ने अपने बल्ले के जौहर दिखाने शुरू किए। शहनवाज पहुंचे पांच पर और इन चार रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है छह बिना किसी नुकसान के, पहले ओवर का खेल प्रगति पर है। पठान फील्ड प्लेसमेंट को लगातार चेंज करते हुए फील्डर को पांच खिलाड़ी को ऑन साइड में रखा है पठान ने शहनवाज के लिए और चार खिलाड़ी को ऑफ साइड में रखा है और एक नजदीकी खिलाड़ी ऑफ साइड में स्लिप पॉइंट पर कैचिंग पोजीशन पर, तमाम खिलाड़ियों को बाउंड्री रोकने की स्थिति में रखा है पठान तैयार। अंपायर के सारे के इंतजार, बाएं हाथ से ओवर द विकेट भागना शुरू किया, अंपायर को मार के विकेट पर पहुंचे स्टंप के पास, इस बार गेंद अच्छी गेंद खेलना चाहते थे चूंकि गेंद और बल्ले से संपर्क नहीं संभाई के साथ विकेट कीपर ने गेंद को मैदर किया, अब वापस लौटाया, चार प्लस चार ओवर का ये
सॉरी भाई, चार प्लस चार ओवर का मुकाबला खेला गया भाई। स्कोर बोर्ड थोड़ा सा कुछ दिक्कत नहीं है, अभी इसके बाद से सेमीफाइनल मुकाबला चलिए। शहनवाज आउट, चार प्लस चार ओवर गेम का खेला जा रहा है। शहनवाज आउट, शहनवाज को छकाती हुई गेंद स्टंप में टकराई, शहनवाज के विकेट का पतन हुआ, एक बड़ा आघात लगता हुआ। सोग्रा होमियो क्लिनिक सामने खुरासान की टीम को शहनवाज के रूप में पहली गेंद। अब आएंगे फैसल शहनवाज को और मिलाकर एक बाउंड्री लगाई शहनवाज ने, चार गेंदों का सामना किया, कुछ खास नहीं कर पाए। पठान की गेंदों पर क्लीन बोल्ड आउट होकर पैवेलियन में वापस आ, फाइनल आज ही है भाई, फाइनल आज ही हो। बल्लेबाज मोहम्मद फैसल, शहनवाज का स्थान लेंगे, स्ट्राइक संभाल लेंगे, जबकि अपनी टीम को पहली सफलता और पहली कामयाबी अर्जित की है पठान ने। पहले ओवर में जब विकेट मिले और ज्यादा रन ना हो तो गेंदबाज और टीम का मनोबल बढ़ जाता है, वही काम किया है पठान ने। शहनवाज टाइगरशिप ने विकेट दिलाया अपनी टीम को क्लीन बोल्ड आउट कर, इसी बीच इस ओवर में राउंड ऑफ विकेट ट्राई किया है, उसके नीचे फील्डर मांग रहा है, एक रन मुकम्मल किया, एक रन मिलेगा शहनवाज फैसल और अभय किरोली को पीने के साथ फैसल पहुंचे नाश स्ट्राइकर। ऐसे ओवर की समाप्ति का ऐलान किया अंपायर ने, तो पठान का पहला ओवर समाप्त हुआ, एक किफायती ओवर रहा। वालेकुम अस्सलाम भाई, जहर आदमी भाई, खर्च किए हैं जब भी एक बेशकीब विकेट लेने में। इसके बाद भाई सेमीफाइनल मुकाबला होगा, देखिए कैसे होता है। लेने में सफल रहे, तीन टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, संजयपुर राजापुर सिकर और खेतासरा, तीन टीमें सेमीफाइनल में हैं और इसमें से जो जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। सबको लाया गया है गेंदबाजी, एंड पर सामने है फैसल, रूम लाइन से गेंदबाजी कर चुका, अंपायर को अपना बॉलिंग एंड बताया, राउंड द ओवर द विकेट गेंद करेंगे, राउंड द विकेट गेंद बाएं हाथ से इसी बीच खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव चार रन। जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच है, पिछले कदमों पर गए, बॉलर बैक ड्राइव, सुंदर स्ट्रेट ड्राइव चार रन। इन चार के साथ फैसल ने भी अपने फेवर दिखाए, पहली बाउंड्री आई फैसल के बल्ले से, दूसरी बाउंड्री आई है सोग्रा होमियो इनिंग में, इसी बीच ड्राइव करना चाहते थे, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, अपने बॉलर थ्रो में आजम ने गेंद को फील किया, रन बनने की संभावनाओं को निरस्त किया, वापस अपने बॉलिंग के निशान पर शहनवाज तैयार। कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाता है तो पांचवा हैट्रिक, छक्के पर दस पांच और एक छक्के पर एक और मिस इनिंग हुई, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर दंडाती हुई, स्क्वायर लेग के ऊपर से इस बार खेला, फील्डर खुद फैसला नहीं कर पाया कि गेंद को कैच करना है या रन बचाने हैं, अन्यथा इरफान भाई संजरपुर का मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला होगा संजरपुर का। इरफान भाई ऊपर से चली गई चार रन के लिए, तो तीसरी बाउंड्री और दूसरी बाउंड्री आजम के ओवर से फैसल के बल्ले से, इसी बीच आजम तैयार, अंपायर में इशारा हुआ, भागना शुरू किया फैसल के लिए। खिलाड़ी के हाथों होती हुई आजम ने फैसल के लिए फील्ड सजाई है, स्लिप पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, बाउंड्री लाइन पर मिडाफ, बाउंड्री लाइन पर मिडान, चार प्लस चार ओवर का मुकाबला हो रहा है, स्क्वायर लेग और फाइनल लेग, इसी बीच ऑन साइड में ड्राइव किया मिड ऑन पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, इन एक रन के साथ फैसल पहुंचे थोड़े अंकों में 10 पर और टीम का स्कोर जा पहुंचा 16, शहनवाज का एक कीमती विकेट गंवाने के बाद आजम तैयार, अंपायर छाओं में टूर्नामेंट खेला जा रहा है। शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए, ये हमारे नए पेज कस्बा माहौल स्पोर्ट पर जुड़ने के लिए, तो पेज को फॉलो करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पेज से जुड़े। अब आगे जितने भी टूर्नामेंट होंगे सब इसी पेज पर लाइव दिखाया जाएगा कस्बा माहौल स्पोर्ट्स पर, जितने भी टूर्नामेंट होंगे तो पेज को फॉलो कर लें और शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पेज से जुड़े, इस मुकाबले से जुड़े। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज के दिन का दूसरा मुकाबला खुरासान बनाम गाजीपुर, जो जीतेगी वो सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी भाई खेलेगी, इसके बाद हो सकता है संजयपुर का मुकाबला हो। तीन टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, संजयपुर, खेतासरा सराय और राजापुर सिकरौर, चौथी टीम का फैसला होना बाकी है इस मैच में। इसी बीच पठान को कंटिन्यू गेंदबाजी के लिए लाया गया है, अच्छी गेंद ड्राइव किया है, बॉलर थ्रू में रोकना चाहते थे, हाथ से छिटकी मिडल पर, जब तक गेंद को
मैदान के खिलाड़ी रोकते फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदले तीन एक रन के साथ। सेमीफाइनल में भाई संजरपुर है, राजापुर सिकरौर है और खेतासरा है और इसमें से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। शुभम भाई टीम में सीबी पठान चले अंपायर को पार किया और ये फैसल क्लीन बोल्ड, फैसल के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ पूरा समय। काफी शांत है सुग्रा होमियो क्लिनिक की टीम के बल्लेबाजों का बल्ला, हवाई फायर अब तक देखने को नहीं मिला है। एक बाउंड्री जरूर आई है, दो बाउंड्री फैसल ने लगाई और एक बाउंड्री शहनवाज लगाकर आउट हुए। दोनों बल्लेबाज आउट होकर पैवेलियन में वापस जाते हुए पहला झटका लगाया 6 रन पर और दूसरा झटका लगाया 18 रन के स्कोर पर। करते रहें लाइक और शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुकाबले से जुड़े, रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद। फेसबुक कस्बा माहौल लाइव को फॉलो करें, उस पर जाए तो मेरा अब्दुल्ला खान जो सऊदी अरब के बादशाह से इस वक्त जुड़े हुए हैं, ताबिश संजरी, अब्दुल समद, अजहर आजमी, खान आयान, शुभम मौलिया, नरेंद्र कुमार, इरफान शेख, आदर्श यादव, शुभम सिंह आजमगढ़, तमाम लोग फॉलो करते रहे, फॉलो करके सपोर्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और इस टूर्नामेंट से जुड़े। आरिस आए हैं थोड़ी सी और बाहर की तरफ गई, वो करती हुई विकेट कीपर ने बाएं जानिब झुकते हुए गेंद को गैदर किया, अंपायर आमिर ने वाइड बॉल का इशारा किया तो पहला अतिरिक्त रन इस ओवर से तो दूसरी सफलता दिलाई अपनी टीम को। पठान ने सामने है आरिस तैयार, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, लगातार वाइड बॉल, लगातार लेग स्टंप पर अब तक अटैक किया है आरिस ने। पठान ने कल भी पठान ने कई वाइड गेंदें की थी लेग स्टंप पर, आज भी वही क्रम जारी है पठान का, दो विकेट चटकाई है जरूर पठान ने। तैयार अंपायर का इशारा हुआ आरिस के लिए, इस बार लेग स्टंप पर ही ड्राइव किया है, उसके पीछे फील्डर भाग रहा है लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी, चार रन के लिए कारपेट के सहारे इस बार लग गया बाहर, चार रन इन चार के साथ आरिस ने स्कोरिंग शुरू की, आरिस पहुंचे चार पर, टीम का स्कोर क्या पहुंचा 24 रन। पहले ओवर से 6, दूसरे ओवर से 12 और अब तक इस ओवर से 6 रन आ चुके हैं सोग्रा होमियो क्लिनिक सामीर मुरासन की टीम के खाते में। इसी बीच पठान तैयार आरिस के लिए, इस बार आंतराइज जाकर ऑन साइड में खेला, उसके पीछे खिलाड़ी भाग रहा है और कैच ड्रॉप हुआ, एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इन एक के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, हमें काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं स्ट्राइकर बल्लेबाज है, अब तक तीन गेंदों का मात्र सामना किया है, तीन रन बनाकर स्ट्राइक संभालने की तैयारी में, जबकि पठान तीसरा और पठान का दूसरा ओवर गाजीपुर की तरफ से अल ब्लाक ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच में चार रनों के लिए बिलाल नाम है भाई, चार रन के लिए। जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी ओवर पीछे है, एक कदम आगे आए, बॉलर बैक ड्राइव किया, ब्यूटीफुल स्टेट ड्राइव, चार रन, क्रिकेट टैग सुरक्षित स्थान ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्पेस से जुड़े, मुकाबले से जुड़े, रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद। खुरासान बनाम राजापुर गाजीपुर के बीच 28 रन, इसी बीच खेतासराय मैच खेलेगी मुख्तार भाई, अभी खेतासराय सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। मैदान के खिलाड़ी को स्क्वायर लेग पर जब तक ज्यादा गेंद को फील्ड करता दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदले, ओवर की समाप्ति का ऐलान किया अंपायर ने तो पठान के कोटे का दो ओवर और इस इनिंग का तीसरा ओवर समाप्त हुआ है। तो अब क्वार्टर फाइनल मैच के पहली इनिंग का अंतिम ओवर देखना है किस गेंदबाज से गेंदबाजी कराई जाएगी। चार ओवर का मुकाबला खेला जा रहा था और खेतासराय इसके बाद होगा भाई, हो सकता है सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी खेतासराय, इसके बाद खेतासराय का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। शेयर करते रहे, पेज को शेयर करते रहे, लाइक को शेयर करते रहे,
कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुकाबले से जुड़े और इस पेस से जुड़े। शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। 20 रन का स्कोर है और 6 गेंदें बाकी बची हैं। कितने रन और बच जाए तो सेफ और सुरक्षित होगा। कम से कम 30 रन और चाहिए। 30 रन, चलिए 30 रन इस ओवर में चुके हैं। 2 विकेट के नुकसान पर पूरा सौ। 74 ओवर जारी। 4 ओवर में बरौली सबरात मंजीर पट्टी ये सेफ नहीं है। 4 ओवर में अगर 50-60 रन मोर्चे पर लगाया गया है। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी गाजीपुर के कैप्टन सचिन के कंधों पर दी है, जबकि अभय और आरिफ की जोड़ी मैदान पर है। 6 गेंदों का खेल और होना बाकी है। अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच की पहली इनिंग का सचिन तैयार। बिलाल नाम है भाई कमेंटेटर साहब का, बिलाल नाम है, छाऊ के ही रहने वाले हैं। जो मेरे यहाँ पर राजापुर सिग्रावर सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। कोई भी बल्लेबाज हो उम्मीद पर खड़ा नहीं हो रहा है। सचिन तैयार सामने अब है। सचिन आए गेंद की स्लो डिलीवरी ऑन साइड में खेलना चाहते हैं। खेल दिया है गेंद और बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। स्ट्राइक पर है अभय और नॉन स्ट्राइक पर है आरिफ। अपने बॉलिंग के निशान पर रोड लाइन से गेंदबाजी करते हुए इसी बीच सचिन चले अंपायर को पार किया। क्रीज के कोने से कोण बनाती हुई ये गेंद ड्राइव किया है ऑफ साइड में पठान। जब तक गेंद को उठाते और अंपायर का इशारा नो बॉल फ्री हिट बल्ले से और एक रन नो बॉल के तो 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा हुआ। स्कोर जा पहुंचा 33। नहीं भाई ग्राम सभा चल रहा है, ग्राम सभा टूर्नामेंट चल रहा है। तो 9 खिलाड़ी एक ग्राम सभा के होंगे, 2 खिलाड़ी आप बाहर से कहीं से भी ले सकते हैं। 9 प्लस 2 का ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 9 खिलाड़ी ग्राम सभा के होंगे, 2 खिलाड़ी आप कहीं से भी ले सकते हैं। अभय सिंह है, अब आरिज आए हैं इस टाइप पर और ये फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। खूबसूरत छक्का आरिज के बल्ले से, पहला छक्का आया और पहला मथुरा पान भंडार अर्जित किया है आरिज ने। बहुत पहला छक्का होमियो क्लिनिक की इनिंग में। बबलू भाई ग्राम सभा टूर्नामेंट के दोहरे अंकों में 11 पर और टीम का स्कोर जा पहुंचा 38। चलिए 38 रनों पर स्कोर जा पहुंचा है। चौथा ओवर, चौथा ओवर आते हैं। ये गेंद फील्डर के नीचे मौजूद और ये कैच ड्रॉप। एक जीवन दान और मिला आरिज को। एक आसान से कैच अपने पॉलर थ्रो में। बैटिंग कर रही है खुरासो शुगरा होमियो पर बल्लेबाजों के लिए बदले खुरासो। एक रन के साथ स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा 39। चलिए 39 रनों पर स्कोर पहुंच चुका है। चौथा और आखिरी ओवर जारी है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला। शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे लाइव जुड़ने के लिए। तो शेयर करते रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। चलिए ये खेल दिया है अभय सिंह ने गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लाइक और शेयर करते रहे ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इस मुकाबले से जुड़े। फासला था वन बाउंस फोर टिप्पा खाने के बाद ये ठीक कमेंट्री बॉक्स को पार कर गई 4 रन के लिए। इन 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 45। 45 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर फैसल और शहनवाज का विकेट गंवाने के बाद और यह अभय सिंह ने खेल दिया है गेंद बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए और अंपायर का इशारा नो बॉल। एक और फ्री हिट मिलती तो हुई अभय सिंह के खाते में। काफी महंगा ओवर साबित होगा, अंपायर का फैसला सर्वमान्य होगा। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। खेता सराय और देखिए अभी दूसरी टीम का अनाउंस नहीं हुआ है। खेता सराय सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भाई तू क्या लेगा चुप होने के लिए? भाई देखते रहिए, चुप हो जाऊंगा तो फिर स्कोर भी नहीं बता पाएंगे। दोनों बॉल अब तक रन बन चुके हैं, 50 रन पूरे हुए। चलिए 50 रन हो चुके हैं। तो पहली दो बॉल पर फ्री हिट में आरिफ ने छक्का लगाया और अब अभय है चार गेंदें अब तक फेंकी हैं, दोनों बॉल इसी बीच सचिन की गेंद नीचे आ रहे हैं और ये एक और कैच ड्रॉप। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स।
उमदा रनिंग बिटवीन द विकेट फैसल आरिफ और अभय के बीच दो रन मुकम्मल कर लिए। खुरासा और गाजीपुर स्कोर जा पहुंचा 52 रनों पर स्कोर। दो विकेट के नुकसान पर सचिन संभवतः इस ओवर में अंतिम बार इस बार पहली इनिंग है खुरासा बल्लेबाजी कर रही। 53 रन इस ओवर से अब तक 23 रन आ चुके हैं। एक और छक्का अभय सिंह के बल्ले से ओवर की समाप्ति का ऐलान। एक नो बॉल दो नो बॉल एक वाइड बॉल और एक बाउंड्री काफी रन लुटाए सचिन। इस ओवर से 29 रन आए हैं लास्ट ओवर से 29 रन आए हैं। ऐसा लग रहा था कि 45 के आसपास रन चेस करना होगा गाजीपुर की टीम को। ये 59 रन बनाकर 4 ओवरों में 60 रनों का टारगेट दिया है खुरासा ने गाजीपुर से। गाजीपुर को ये मुकाबला जीतने के लिए 4 ओवरों में 60 रन बनाने होंगे। ओवर 4 ओवर का हो रहा है भाई, ओवर समाप्त हो चुका है। 59 रन बनाकर 60 रनों का टारगेट दिया है खुरासा ने गाजीपुर। मैं खुरासा ये मुकाबला खेला जा रहा है 76 रन बन रहे थे, ये आखिरी ओवर में कुछ रन आया है ज्यादा, तभी यहां पर सम्मानजनक स्कोर आ चुका है 59 रन। बाकी साहब अगर गाजीपुर की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो उनके लिए दूसरे गेंदबाज का चुनाव करना होगा। पठान और आजम की गेंदबाजी के सामने किसी और गेंदबाज का भी चुनाव करना होगा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की है लीग मैच में अब तक टीम खुरासा ने, तो करना भी बड़ा मुश्किल काम होगा। खुरासा की बॉलिंग अटैक जो है अच्छी है मजबूत है, लेकिन देखना अभी 60 रन का जो टारगेट दिया है यहाँ पर खुरासा मजा पाती है या नहीं गाजीपुर की बल्लेबाजी पर निर्भर करेगा। यहाँ पर जुड़े हुए आज कुछ सरमाए से लगते हो, सर्दी की वजह से कब कपाए से लगते हो, चेहरा आपका खिलखिलाया सा लगता है, हफ्ते के बाद नहाए से लगते हो आशीष चंदोरे। इस वक्त हमारे पीछे जाने पैनल में है राजेश शर्मा से कुछ गुफ्तगू करते हुए, ये तो महान खबू बल्लेबाज इस वक्त संजयपुर की टीम में। देखिए गाजीपुर ने हराया था मुबारकपुर को, गाजीपुर 60 रन बनानी है आजमगढ़ में हो रहा है भाई आजमगढ़ छाऊ में। एक टीम पैंती पहुंची है जो पहली सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली टीम है संजयपुर, दूसरी टीम है गीता किसरा और तीसरी यहाँ पर राजापुर सिकरो। अब इसमें से देखना है चौथी टीम कौन होती है, टीम गाजीपुर या सुगरा होम्योपैथी खुरासा। ये दोनों टीमों का इस वक्त मुकाबला चल रहा है, 60 रनों का टारगेट दिया है चार ओवर में। स्कोर को चेस करना है, हर ओवर से 15 रन बनाना होगा गाजीपुर के बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी लीग मैच में मंगरामा के खिलाफ की है, बहुत महंगा ओवर है 29 रन आए थे भाई लास्ट ओवर से। जहां मंगरामा के बल्लेबाजों ने कल लीग मैच में छाऊ की टीम के गेंदबाजों को रन लूटा था, 105 रन बनाए थे, वही कुल की टीम 74 रन के स्कोर को चेस नहीं कर पाई 5 ओवर में, 30 रन से हार का सामना करना पड़ा था। सस्ता हो या महंगा बल्कि आज मंगरामा की टीम को, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से दोनों सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे कलमों में जाते हुए आज फाइनल है। आ जाए भाई सुजीत सान साहब आप कहाँ है, आज जो है थोड़ा सा माहौल बनाए क्योंकि आज फाइनल डे है तमाम भाई। आफ्ताब भाई खरेवा में है भाई, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव जो है वो आफ्ताब भाई का पेज है और आफ्ताब भाई जो है खरेवा में टूर्नामेंट लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर भाई आसिफ भाई नहीं है भाई, जिगर भाई आसिफ भाई नहीं है, मतलब यही ग्राउंड पर मौजूद है लेकिन वो नहीं है लाइव मैच। इस वक्त पहुंच चुके हैं यहाँ पर दोनों स्ट्राइकर अपने बल्लेबाज पहुंच चुके हैं और पठान होंगे
बड़े आठ रन बना रहे हैं चार ओवर में गाजीपुर को। अभय और पठान आमने सामने, जहां पठान ने अच्छी गेंदबाजी की थी वहीं अभय ने अच्छी बल्लेबाजी भी की थी। भाई अब सबका नाम तो नहीं मालूम, देखिए पठान है आउटर के रूप में गाजीपुर में। तो पहला सेमीफाइनल मैच पुरासन और संजयपुर के दरमियान, और इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। जी भाई पठान, सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा खेतासराय बनाम संजयपुर के बीच। पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस मैच के तुरंत बाद संजयपुर बनाम खेतासराय सेमीफाइनल मुकाबला होगा। भाई आइए आप जो है आ जाइए संजयपुर, संजयपुर से रास्ता छाँव के लिए आया है आप सीधे। छाऊ आ सकते हैं बीडीपी क्रिकेट लाइव और आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर खुरासों का टूर्नामेंट लाइव दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब है कि दूसरी गेंद पर पठान ने फाइन लेग पर खेलकर एक रन मुकम्मल किया। तीन एक रन के साथ गाजीपुर की स्कोरिंग शुरू हुई 60 रन के जवाब में। नए बल्लेबाज भाई कैप्टन गाजीपुर अतिरिक्त खिलाड़ी भेज दे, बल्लेबाज का नाम बताए अतुल। अतुल ने भी कल लीग मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। सामने आप है रो रेड से तैयार, लंबे लंबे डक भरते हुए भागना शुरू किया। अंपायर अमित को पार किया स्टंप के पास से। इस बार ये गेंद और ये क्लीन बॉल, सेमीफाइनल मैच भाई 5 ओवर होगा, कम से कम 5 ओवर तो होगा। इसके बाद है पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेतासराय बनाम संजय सिविल इलेवन खेतासराय सलमान एंड कंपनी संजय। पहला सेमीफाइनल मैच खेतासराय वर्सेस संजय और दूसरा सेमीफाइनल मैच राजापुर सिकरौर और गाजीपुर या तो पुरासन, दोनों इस मैच की विनर टीम से होगा। अतुल के आउट होने के बाद उनका स्थान लेने के लिए गए नए बल्लेबाज कन्हैया। सामने है अभय, अपनी टीम को एक कामयाबी दिलाई है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर ला दिया है गाजीपुर की टीम पर अभय ने। तैयार प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली चाहते हैं, पॉइंट खिलाड़ी को थोड़ा सा स्क्वायर किया है। अभय ने दौड़ना शुरू किया, पायर को मार दिया, पिच पर पहुंचे स्टंप के पास गेंद की कन्हैया के लिए। आप पिच पर थी पंजों के बल उछलते हुए ट्राई किया है ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, इन एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा। एक विकेट के नुकसान पर 60 रन के जवाब में दो। अब पहली एक रन बनाकर स्ट्राइक संभालने की तैयारी में सामने पठान, सामने है अभय। सहवाग अपने खिलाड़ियों से लगातार बात करते हुए समाप्ति पर गाजीपुर का टोटल स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान, 60 जवाब में स्कोर 3 रन गाजीपुर 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर समाप्ति। दूसरा
और यहाँ पर अपना अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश किया है। शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे लाइव जुड़ने के लिए, तो इसको शेयर करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुकाबले से जुड़े। इस पेशे का 4+4 इस वक्त में जो नील थी सुजीत साल भाई यहाँ पर खुलासों के बल्लेबाजी से बहुत नहीं कर पाया है। शहनाज भट्टोपुर भट्टोपुर और फैसल अभय सिंह से जो मेरे थी उस तरह से बल्लेबाजी अभी तक नहीं देखने को मिली। अभी भविष्य की और यहाँ पर खेल दिया है, देखना है चारों की यही गोल लगी। पहली बाउंड्री लगती हुई यहाँ से एक चौका आता हुआ इस चौके के साथ टोटल स्कोर 8 रन। जी भाई इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला होगा, आज के दिन का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। खेलता समय का नाम संजय क्रिकेट। चलिए ये क्लीन बॉल के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आन पड़ी है अपनी टूटी विजैया को पार पहुंचाने के लिए, सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। तुम्हें देखा कि आउटर की भूमिका में आज टीम खुलासा में अभय सिंह एक ऐसा क्रिकेटर का नाम का क्रिकेटर कल्पना तक छाव में आखिरी वर्ग में थोड़ा सा इन्होंने सिक्स लगाया स्कोर सम्मानजनक पहुंचाया। तो मैं देख रहा हूँ शर्मा साहब है और तमाम टीमों में दो दो आउटों की भूमिका में है। खेता की सराह में यहाँ पर हंडवाड़ा खुद से एहतसाम साहब आउटों की रूप में है, जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे ओवर में बल्लेबाजी एहतसाम साहब के लिए। आपका वेलकम है एहतसाम हंडवाड़ा खुद। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मैं देख रहा हूँ कि कासिम बाबू नसीर को इस टूर्नामेंट में देखे जा रहे हैं और बड़ा कक्षाओं में अब देख रहे हैं किस टीम से जुड़ेंगे। और ये मोहम्मद शकी अली के मोहम्मद शकी चुप बनी गेती है और यहाँ पर आजम ने खूब गड़बड़ चलाया है। एक रन पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने, सिर्फ एक रन से यहाँ पर नहीं भाई बहुत अच्छा चला है, नेटवर्क तो बहुत अच्छा है भाई। दूसरा ओवर जारी है, दो विकेट के नुकसान पर समाप्ति पर दूसरा ओवर प्रगति पर मोहम्मद शैतानी ने और ये पठान बल्ला जाएगा फील करते हैं अभय सिंह। एक रन सिर्फ मिलेगा यहां से। तो मैं बताना चाहता तमाम आज शागिर तमाम दर्शकों के लिए कि आज का फाइनल डे है, फाइनल मुकाबला है, तमाम टीमें आ चुकी है, एक एक गेंद एक एक रन यहाँ पर बहुत कीमती है, बहुत दिलचस्प देखने को मुकाबला मिलेगा। और चले मोहम्मद शेख की अगली गेंद आजम के लिए तो जरूर नहीं कोई मौका नहीं। कासिम बाबू आ जाए आप कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। कासिम साहब नसीरपुर तो पूरी तरह से संतोष हो रहे हैं, बाउंड्री पर बैठे हुए हैं कासिम बाबू और आप भी बाबू है रतन बाबू तो आपका मैच अभी पेंडिंग में है। कमिंग सून संजयपुर का आपने डाल दिया लेकिन अभी रुका हुआ डेट क्लियर नहीं है, अपनी डेट क्लियर कर दी थी नहीं तो मैं लाइव कराता रहूंगा। ये नजर आ रहा हूँ लतन सर्जरी की तरफ से कमिंग सून डाल दिया गया है संजयपुर का। तो सलमान साहब कह रहे ना हो क्यों नहीं होगा भैया आपने क्यों डाला। भाई एंट्री 3000 है भाई अफान भाई, अब एंट्री नहीं होगी क्योंकि आज फाइनल डे है। 32 की एंट्री तो समझ जाऊंगा बल्लेबाजी यहाँ पर पठान के बल्ले से देखने को मिल रही है। एक सिक्स लगाया है अभय सिंह की गेंद पर, अभी इसी में जाऊंगा सो क्या विकेट पर बचेगे की राइट हैंड के पठान इस बार वाइड गेंद अंपायर का इशारा वाइड बॉल इस वाइड के साथ इसको जा पहुंचा।
17 रनों पर स्कोर पहुंच चुका है। तीसरा ओवर जारी, 60 के जवाब में स्कोर 17, तीसरा ओवर जारी, स्कोर देखा जा रहा है। एक विकेट के लिए एक पठान जैसा बल्लेबाज जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ वैसी जैसे के दौर के सामने और ये आसान से पूरा कर गया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 18 नुकसान पर यहाँ पर आसम और पठान की बल्लेबाजी और ये है शेर, लेकिन इस बार सरकारी कोटे का तोरण फिक्स यही सीमा रेखा के बाहर अगर भेज जाती है तो आज चौका मिलेगा। पानी में ऐसे स्कोर है व्हाइट के रहे हमेशा, यानी एक व्हाइट का और दो रन, तीन रन है इस गेट पर। पीछे फॉर्मेट की दिशा में दो रन फिक्स किया गया है, धान का खेत जो है और पानी वहां पर कमेटी कोटे का दो रन है और एक व्हाइट का, यानी तीन रन आया। इस तीन रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा 21 रन, और एक जीवन का नाता हुआ 4+4 हो गए तो इसको इसी के साथ जा पहुंचा 22 रन का स्कोर अपना हो चुका है। तो धीरे धीरे लक्ष्य तक पहुंच रही है टीम गाजी को। चले अब इसी बीच अगले के प्रधान के लिए, लेकिन इस बार बीत गया अच्छी गेंद, यहाँ पर पूरी तरह से लाइन मौसम नहीं था इस बार बीच हुए प्रधान। अब इसके बाद जो मुकाबला होने जा रहा है मैं बताया जाता हूं कैप्टन ऑफ छेटा सराय, कैप्टन ऑफ चंद्रपुर पहला सेमीफाइनल मुकाबला छेटा सराय बना चंद्रपुर कैप्टन से छेटा सराय और इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा संजयपुर बनाम खेतासराय के बीच, पहला सेमीफाइनल मुकाबला। और छक्का लगातार दूसरा छक्का पठान के बल्ले से चौतीस रनों पर स्कोर पहुंच चुका है। तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का जीत चुका, 60 के जवाब में स्कोर 34, 6 गेंदों पर 26 रन चाहिए, 6 गेंदे 26 ये मुकाबला जीतने के लिए गाजी26 रन ये मुकाबला जीत सलमान मिर्जा है कि नहीं भाई, सलमान मिर्जा तो होंगे पठान है भाई, नहीं पठान है भाई। 6 गेंद पर 26 रन टास
है टीम खेलता चाहे टीम जय आयुष की पहली गेंद यहाँ पर आजम वहां पर दो रन मिला चलिए अरे यार भाई टीम कैप्टन टीम कैप्टन शायद आसिफ तो वो तो होंगे यार इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है वो अपनी टीम में नहीं रहेंगे मीठा पान जाफरान को दिया जा रहा है बल्लेबाज को गेंद पहुंचा दो बच्चों आप टूर्नामेंट देखने आए या मुझे देखने आए हो आप लोग मैं पूछिए सामने वो खबर उधर करिए क्या और दूसरा जय आरिश इस बार तैयार हमारी मार पर्स सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आजाद इस वक्त आरिश चौना से जब चुप अपनी गेंद की है और बल्ला चलाया था लेकिन वहां से सिर्फ एक रन मिलेगा जब तक गेंद फील होती है उसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा उसके बाद जो मुकाबला होगा बहुत ही कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा टीम संजयपुर टीम खेतासराय और संजयपुर का बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है सेमीफाइनल होगा और ये प्रधान को आरिश ने इस बार बीट कराया है प्रधान को वो जोहर दिखाना होगा वो कारनामा करना होगा आखिरी उम्र तक डटकर मुकाबला करना होगा अगर आपको फाइनल सेमीफाइनल में प्रवेश करना है टीम गाजीपुर को तो और ये है प्रधान का वो है पठान क्या बल्लेबाजी किया है टीम खुलासों के सामने जबरदस्त यहाँ पर गगन चुंबी छक्के छुड़ा दिया है यहाँ टीम खुलासों के गेट पास होते चले पठान आज इसी बीच अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी लेकिन व्हाइट बॉल इस व्हाइट के साथ स्कोर जा पहुंचा चलो आइस 34 पठान के लिए और यहाँ पर एक इंसान घूमकर खेलता है देखने वाला होता है एक रन पूरा करने में जब तक ठीक होती है ना दूसरा रन भी लेना चाहते थे पठान लेकिन अब क्या अपना विकेट कराएंगे और ये पठान रन आउट पठान ने ऐसा क्यों किया पठान ने उसको क्या पहुंचा है 45 रन 15 रन चाहिए एक गेंद पर चलिए और इसी के साथ खुरासान मुकाबले को जीत कर सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली चौथी टीम बन चुकी है खुरासान और गाजीपुर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो होगा वो खेतासराय बनाम संजयपुर के बीच दूसरा राजापुर सिकरौर बनाम खुरासान।